नमस्ते दोस्तों, देसी दिल्ली चैनल पे आप सबका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज बनाने जा रहे हैं तिल गुड़ के लड्डू, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार है। बनाना उससे भी ज़्यादा आसान। तो शुरू करते हैं ये रेसिपी। आधा कप मूंगफली को इस तरह से रोस्ट कर लेंगे। मूंगफली तब तक रोस्ट करनी जब तक इसे छिलके आसानी से उतर ना जाए और इसमें अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। आप इस तरह से चेक करके देख लें। जब स्किन आराम से उतरने लगे तो गैस से इसे उतार दें और इसे ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद इसे मैश करके इसका छिलका उतार लें। 3/4 कप उजला तिल, अगर ब्राउन तिल है तो ब्राउन तिल लें। इसे लो फ्लेम पर रोस्ट करेंगे। तिल से जब अच्छी खुशबू आने लगेगी गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। ये हल्का हल्का चटकने की आवाज भी आती है जब ये सोना होने लगता है। तो अब हम इसे उतार लेंगे। 1/4 कप भुना हुआ नारियल पाउडर, 1/2 कप मूंगफली, 1/4 कप गुड़, 3/4 कप सफेद तिल। आप इस तरह का फूड प्रोसेसर लें। अगर आपके पास फूड प्रोसेसर नहीं है तो मिक्सी में करें। मिक्सी में या फूड प्रोसेसर में पहले डालें इसमें भुना हुआ मूंगफली और इसे चला लें। और इस तरह से चेक कर लें। इसके बाद डालेंगे भुना हुआ तिल, भुना हुआ नारियल पाउडर और 1/4 कप गुड़। 3 से 4 इलायची के दाना को इस तरह से डालेंगे और इसे चला देंगे, लेकिन इसे पल्स मोड पर ही पीसें। और 2 बड़े चम्मच घी डालें। थोड़ा देर चलाएं फिर बंद कर दें, फिर थोड़ा देर चलाएं फिर बंद कर दें। इसी तरह से इसे चलाना है। एक बार में पूरी तरह नहीं चलाएं। और इस तरह से आप चेक कर लें। जब इस तरह से बनने लगे तो आप इसे निकाल लें। अब इसे हम एक बॉल में निकाल लेंगे और इस तरह से अपने हिसाब से लड्डू बना लेंगे। लड्डू को अच्छी तरीके से हाथ से दबाते हुए बनाएं। जब हम लड्डू बनाना शुरू करते हैं तो थोड़ा सा हाथ में घी जरूर लगा लें, इससे आपके हाथ में मिक्सचर चिपकेगा नहीं और लड्डू भी बहुत अच्छी तरीके से बनकर तैयार होंगे। ये देखिए बनकर तैयार हो गया। इसी तरह से सारे को बनाकर तैयार कर लें। ये ठंड में खाए जाते हैं लड्डू, और हमारे शरीर को गर्माहट भी देते हैं क्योंकि इसमें तिल, नारियल, गुड़ और मूंगफली, ये सभी हमारे शरीर के लिए पौष्टिक है और हमारे शरीर को अंदर से गर्म रखती है। तो इस लड्डू को आप भी बनाएं और खाएं, आपको भी ये पसंद आएंगे। ये बनाने में भी बहुत ही आसान है। ये देखिए बनकर सारे लड्डू तैयार हैं। वीडियो देखने के बाद पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।